महाराजा रणजीत सिंह ने हिंदुस्तान और खुसूसन सरजमीन पंजाब पे गहरे असरात छोड़े हैं। चाहे वो तारीख हो, सकाफत हो, फन तामीर हो या रस्म रिवाज, रणजीत सिंह के दौरे हुकूमत में पंजाब के तूल अर्ज में कई मंदिर और इबादतगाहें बनाई गईं। सियालकोट शहर का शिवाला तेजा सिंह मंदिर भी उन्हीं में से एक है जो तेजा सिंह नामी हिंदू ने बनवाया था। ये आज भी सियालकोट की बुलंदतरीन इमारत में से एक है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 100 फीट है। 1857 की जंगे आज़ादी में सियालकोट में हुई बगावत में अंग्रेज़ों ने इस शिवालय में पनाह ली। बहुत से अंग्रेज़ इस दौरान मारे गए। लाहौर से आने वाली अंग्रेज फौज ने इनको यहां से निकाला। शहर के पुराने हिस्से में इकबाल मंजिल से कुछ आगे जाएं तो एक रास्ता ऊपर की तरफ इस मंदिर की तरफ ले जाता है। शिवाला हिंदू देवता शिव के मंदिर को कहा जाता है, जहां खास तौर पर शिव की पूजा की जाती है। साथ में शिव की बीवी पार्वती की पूजा भी की जाती है। वादी सिंध की तहजीब से मुतालिक जिन आसार कदीमा की दरियाफ्त हुई है, उनमें ऐसी मोहरें मिली हैं जिन पर शिव की खसूसियात रखने वाले एक देवता की शबीह नक्श है, और उसके बिना पर अंदाज़ा लगाया गया है कि शिव या इससे मिलते जुलते देवता की परस्तिश आज से 4,500 साल कबल मसीह भी हिंदुस्तान में होती थी। 1947 में तकसीम के बाद सियालकोट और दूसरे इलाकों के बहुत से हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भारत चले गए, जिसके बाद ये शिवाला तेजा सिंह मंदिर बंद कर दिया गया। ये मंदिर 72 साल तक बंद रहा। सियालकोट सर्कलर रोड पर वाकया शिवाला तेजा सिंह मंदिर एक कनाल रकबे पर मुश्तमिल है। कई बरसों से हिंदू बिरादरी की तरफ से इस मंदिर को खोलने की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा था। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमत में आने के चंद माह बाद एक ट्वीट में कहा था, हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि अकलियतों के साथ बराबरी का सलूक किया जाए। 19 अक्टूबर 2019 को इमरान खान के हुक्म पर शिवाला तेजा सिंह मंदिर को खोल दिया गया। शिवाला तेजा टेंपल सियालकोट के गुंजान आबाद रिहायशी इलाके में रेत के एक ऊंचे टीले पर वाकया है। मंदिर जो कि कभी ग्रेनाइट और भुरभुरे पत्थरों का अजूबा ख्याल किया जाता था, कई साल मुरम्मत और निगरानी न होने की वजह से खस्ताहाली का शिकार रहा। मंदिर के बैरूनी सतूनों पर की गई नक्काशी या तो मिट गई थी या नशियों ने इन्हें खुरच डाला था। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के जेर निगरानी बुनियादी मुरम्मत का काम जारी रहा। मंदिर के इर्द गिर्द चार दीवारी की तामीर भी की गई और इबादत करने की जगह के करीब एक दरवाज़ा भी नसब कर दिया गया। मंदिर में रखने के लिए मूर्तियां पाकिस्तान और भारत के मंदिरों से लाई गईं। शिवाला तेजा सिंह मंदिर की बहाली सियालकोट और पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी खुशी के मुतरादिफ थी। कहा जाता है
पाकिस्तान में मंदिरों की कुल तादाद 10,000 के करीब है, जिनमें से 4,000 खुले हैं और बाकी बंद हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में हिंदुओं, सिखों और बुद्ध मत की वीरान इबादतगाहों की मुरम्मत और बहाली का काम हंगामी और तरजीही बुनियादों पर किया गया। इसके साथ साथ सियाहत के फरोग के लिए वो तमाम इकदामात उठाए गए जिससे मुल्क की मईशत को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सकता था। हुकूमत पाकिस्तान और इदारों की बेहतरीन हिकमत अमली से पाकिस्तान में मजहबी रवादारी को फरोग हासिल हुआ। 1992 में अयोध्या में कायम तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद एक मुश्तल गिरोह ने इस शिवाला मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इस शिवाला मंदिर को पुरानी तर्ज पर बहाल करना और इसकी मुरम्मत करना एक मुश्किल मरहला था जो सर हो चुका है। अब हिंदू बिरादरी अपने घरों में पूजा की बजाय इस मंदिर में आकर अपने धर्म के मुताबिक पूजा पाठ करती है। मंदिर में पूजा करने वाले हिंदू अजान के एहतराम में कुछ देर के लिए अपनी पूजा रोक लेते हैं। इस इलाके के मुसलमानों और हिंदुओं के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। दोनों एक दूसरे के मजहबी अकायद और जज्बात का ख्याल रखते हैं। अमन व आश्ती से रहना और इंसानियत की खिदमत करना किसी भी धर्म का सबसे बड़ा काम है। शिवाला तेजा सिंह मंदिर के इर्द गिर्द एक पार्क बना दिया गया है जिसमें बच्चे आकर खेलते हैं, जवान और बुजुर्ग चहलकदमी करते हैं। ये छोटा सा पार्क अहले मोहल्ला के लिए सकून और राहत का जरिया भी है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।